गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक छोटी सी ट्रिप बनाकर निकले हैं। वडला करके एक प्लेस है अहमदाबाद के पास में, तो वहाँ पर बर्ड्स बहुत आते हैं। तालाब है तो, और विंटर शुरू हो गया है तो काफ़ी टाइम से कहीं निकले नहीं थे, तो सोचा चलो आज एक छोटी सी ट्रिप बनाई जाए। और रात को प्लान किया, सुबह निकल गए हैं। देखते हैं क्या क्या मिलता है, आपको भी हम ज़रूर आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो और हाँ, शुरुआत में बता देती हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर मिलती रहे। ये वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ या फिर जो भी बर्ड लवर्स हैं उनके साथ। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। फ़िलहाल तो हम हाईवे पे हैं, गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हैं वडला। अहमदाबाद से करीबन 80 किलोमीटर दूर है ये वडला गांव। यहाँ पर नर्मदा केनाल से पानी छोड़े जाने की वजह से साल में करीबन 8 से 9 महीने पानी भरा रहता है, और यहाँ पर इसी वजह से काफी सारी वाटर बॉडीज हैं और इसीलिए विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स काफी संख्या में आते हैं। अहमदाबाद से नजदीक होने की वजह से ये जगह धीरे धीरे बर्ड लवर्स में पिछले कुछ सालों से मशहूर होती जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम सुबह निकल कर वडला आए हैं। वडला में पीछे जो आप देख रहे हैं वैसे तीन से चार बड़े बड़े तालाब हैं जहाँ पर हर विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी संख्या में आते हैं। लोकल बर्ड्स तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ बहुत आते हैं। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करके कमेंट भी करिएगा। कई सारे पक्षियों के बीच दिन कैसे गुजरता गया हमको कुछ पता ही नहीं चला। हमने कई सारे डोमिसाइल क्रेन्स देखे, पर सब किनारे से थोड़े दूर थे। हम सोच रहे थे कि क्या किया जाए, तभी हमने एक मछुआरा देखा, तो उसकी छोटी सी नाव में बैठकर मुंजल ने थोड़ा नजदीक से वीडियो लेने की एक कोशिश की। वापसी में रोड के किनारे कुछ लोकल्स कुछ बेचते हुए दिखाई दिए। जाकर पूछा तो वो सब पानी में उगे हुए फ्रूट्स और थेग बेचते थे। थोड़ी पूछताछ की तो पता चला कि थेग किसी घास का कंद है, जिसे यहाँ के गांव वाले कई मेहनत के बाद जमीन से निकालते हैं। कहते हैं ये काफी पौष्टिक होता है। और यहाँ आने वाले जो क्रेन्स हैं उनका मुख्य आहार है। तो बस पूरा दिन इस तरह बिताने के बाद शाम होते ही हम कुछ अच्छी यादें लेकर वापस घर की ओर निकले।